हेलो एवरीवन, सबको राम राम, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने कुछ आलू को बॉईल कर ली है, उसमें एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डाल दी है। जिस तरह आपको तीखा पसंद हो कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी और इस समय चटपटा ही खाने का मन करता है बस। और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार कर ली है, उसको भी मैं डाल दूंगी, एक चम्मच के आसपास है। इस तरह तैयार कर लेंगे। और इस प्लेट में मैंने दो बड़ी चम्मच बेसन और मैदा दो चम्मच ली है। एक प्याज ले ली है, उसको बारीक बारीक मैं चॉप करके इसमें मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी रेसिपी तैयार होगा आलू का, बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। तो ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है और मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है। बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है, बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। 10 मिनट के अंदर ही ये पूरा क्रिस्पी और क्रंची, इसके स्वाद ही बहुत अच्छे आते हैं, आप इसके फैन हो जाएंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। बेसिक से सामान है, सबके घर अवेलेबल होते हैं, आप कभी भी किसी टाइम भी बना सकते हैं या घर पे कोई मेहमान आए हुए तब भी बना सकते हैं। ये बहुत पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी, हम लोगों का भी इवनिंग में कुछ खाने का मन करता था तो यही वाला स्नैक मम्मी बनाया करती थी। क्योंकि आलू हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता था, आलू की कोई भी सब्जी हो, कोई भी स्नैक हो, पकौड़े हो या किसी प्रकार का चाट हो, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इस तरह इसको मैश कर लेंगे, सारी जो आलू में जितने सामान डालने हैं थोड़ा सा मैश करके इसको साइड में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, जो मैंने बेसन और मैदा ली है इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे, जो इसमें बाइंडिंग का काम करेंगे और उसके बाद इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इस तरह इसको डाल देंगे और जो है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे, कम ज़्यादा जिस तरह आप लोग खाते हों उस तरह इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा चटकारा रहेगा तो और भी मज़ेदार लगेंगे। इस तरह इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, सारे सामान तो अब पड़ ही गए हैं। अब इसमें साबुत अजवाइन और जीरा, मन करे तो ऐड करें या आप तिल भी ऐड कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ जो है अजवाइन और जीरा को ऐड करूँगी। एक छोटी चम्मच अजवाइन ले ली हूँ, अजवाइन के फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं इन सारे स्नैक में, आलू के साथ जो स्नैक होती है उसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आधा चम्मच के आसपास मैंने साबुत जीरा है मिक्स कर दी है। अब चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, तो मैं भी शैलो फ्राई करूँगी। तो इस तरह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया, अभी पूरी तरह तैयार हो चुका है। अभी चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल पूरी तरह से गरम हो गया है तो इसमें हम डालते जाएंगे। यकीन मानिए आपके घर मेहमान आए हो, आप इसको फटाफट 10 मिनट में तैयार करके दे देंगे तो मेहमान आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये आलू के स्नैक और बहुत ही कम टाइम में तैयार भी होते हैं। किसी भी टाइम बनाइए, या मॉर्निंग में आपको नाश्ता करने का मन करे या इवनिंग में नाश्ता करने का मन करे तो भी बना सकते हैं इसको। चाहे आप चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या किसी भी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो इस तरह इसको उलट पलट करते हुए फ्राई करते जाएंगे और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी तो इसको उतार लेंगे। बस ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए और गैस का फ्लेम पहले तो हाई होनी चाहिए, जब ये कुक होने लगे उसके बाद इसको लो कर देंगे। देखिए मैं इसको फ्राई कर ही रही थी तो दिखा भी रही हूँ, इतने से बच्चे और हैं, तो इसी तरह दो तीन बैच में मैंने सभी को फ्राई कर ली है। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर बनाइए और इसको ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आपके घर कैसे बनते हैं आलू के स्नैक, या नाश्ता या ब्रेकफास्ट में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारे आलू के बाइट को निकाल लूँगी जो भी मैंने बनाई है। आप चाहें तो उसका स्टिक भी बना के इसमें डाल सकते हैं, जिस तरह लंबे लंबे स्टिक्स जो भी शेप देना चाहें उस तरह कर सकते हैं। बस मैं टिक्की में बना रही हूँ तो
जब इसको नोटिस करने वाली बातें हैं, जब इसको आप डालिए तो एक बार हाथ को, पूरे हाथ को एक जग पानी या गिलास या कटोरे में लेकर उसमें एक बार हाथ को ऐसे भिगो लीजिए। उसके बाद एक एक करके सारे आलू को टिक्की बना के डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चिपकने लगता है हाथों में, तो इस तरह इसको कर सकते हैं, वरना ये चिपकने लगेगा तो उठेगा नहीं जल्दी। तो हाथ को थोड़ा भिगोना पड़ता है, उसके बाद जो है पानी नहीं टपकना चाहिए, बस हाथ उसमें भीगना चाहिए। उसके बाद एक एक करके सारे हम आलू के टिक्की को बना लेंगे। देखिए इस तरह कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैं तो इतना खाई कि मन कर रहा था खाती जाऊँ। और बच्चे भी थे, बच्चों को स्कूल से आना था, उसके बाद वो लोग भी आए, वो लोग भी खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट ही लग रहा था। और मैंने चाय के साथ खाई, और कुछ लोगों ने चटनी के साथ, तो मैं चटनी भी बना लेती हूँ। यहाँ पे लहसुन और साबुत जीरा और हरी मिर्च डाल के इसके लहसुन तैयार कर लूँगी, जिसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, कम ज़्यादा जिस तरह आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये कम तीखा वाला मिर्चा है, इसलिए मैंने चार मिर्चा डाली है और लहसुन की 8 कली डाल दी है। सभी को मैं कूट लूँगी खलनी में ही, और बहुत अच्छे से इसकी चटनी तैयार होती है। बेसिक से है ये चटनी, बहुत पुरानी पद्धति पे बनाई गई है, बहुत पहले झटपट से ऐसे ही चटनी बनाई जाती थी। आप चाहे तो इसमें मूँगफली दाना भून कर डाल सकते हैं, या आप चने को भी भून कर डाल सकते हैं, उसके साथ कूट के बना सकते हैं, तब भी इसके स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। और मैं सिंपल सा बना रही हूँ, बस हरी मिर्च, लहसुन, साबुत जीरा और नमक, बस इतने का ही। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा उसमें थोड़ा सी ऑयल डाल देंगे। सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है, इसी तरह सभी को हम तैयार कर लेंगे। और आप लोग भी बनाइए, इंजॉय करिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खुद खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और बना के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चटनी तैयार हो चुकी, अब इसको एक कटोरे में खाली कर लेते हैं। देखिए और आयरन का है खलनी जो है, तो उसमें ज़्यादा देर रहेगा तो चिपक जाएगा, तो उसको कटोरे में खाली कर लेंगे, इस तरह खाली कर लेंगे। और एक चम्मच के आसपास इसमें ऑयल डाल देंगे। ये आपका स्वादिष्ट चटनी तैयार हो चुका है। अब इस बाइट, आलू के बाइट के साथ इंजॉय करिए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और अपने मेहमानों को भी इनवाइट करके खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट ये बनता है। तो देखिए इस तरह अच्छा लगा ना, आइए आप लोग खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे माय व्यूअर्स फैमिली।